अगर कोई गलत करता है तो हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन सर जब 200 करोड़ रुपए का टैक्स देने वाली मार्केट, मैं खुद वहां पे पहुंचा मौके पे, तो मैंने सर को पूछा विपर बगे जी क्या बात है आज, क्या इशू है, दो दिन के बाद मार्केट खुली है? नहीं, आज जो है पुलिस फोर्स के साथ आते हैं और जबरदस्ती दुकान पे घुसते हैं और पुलिस तो बैठी होती है, लेकिन जो उनके साथ टीम आती है वो पेटियां कभी नीचे कर रही है, कभी ऊपर कर रही है, कभी। मैंने बोला अगर आपको पर्टिकुलर कोई कंप्लेंट है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप कोई बात नहीं, अगर गलत काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आपका ये मसला है ना, ये तो बैठ के हल होने वाला है, रोड में आने की जरूरत तो है नहीं इसमें। जो आपका मसला है, मैं डिप्टी डायरेक्टर और ये एडी उससे बात कर लूँगा, क्या इशू है, क्यों चेकिंग की है। एक चीज़ मैं आपको जी बताएं, अभी इनसे बात हुई है, ये उनके डिपार्टमेंट के लोग भी ऑफिस में बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, उसके उसके खिलाफ एक्शन आप इनिशिएट करिए, अभी ये मसला हल होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंक्वायरी आप ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, आपके सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ता हूँ और हमेशा लड़ता हूँ। बात कर लेता हूँ, मैं अलॉन्ग विद एसएसपी मैडम, हमारे एसडीएम साउथ और अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट साहब, तो उनके जो भी इश्यूज थे हमने उनको नोट किया है, तो इनको हमने आश्वासन दिया है कि जो भी इनके इश्यूज हैं इनको टेकअप करते हुए हम इंक्वायरी करेंगे कि आज में जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी, कैसे हुई, क्या हुई, तो उसका जल्द से जल्द हम इंक्वायरी करके आपको जो भी है इनका रिजल्ट हम इनको बता देंगे। सर आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें फिर देखने के लिए किस तरह के छोड़े साहब? नहीं, इसी के लिए जैसे आपको मैंने कहा, जब इस घटना की हम जाँच करेंगे तो इसमें कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, उसको चेक करेंगे, तो उससे हम इंश्योर करेंगे कि आगे से वो ना हो। क्या सर उस जिन लोगों ने अगर इस तरह की कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? पहले हम देखेंगे कि क्या है, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होती है हम उसको देखेंगे आगे कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूँ और एसपी मैडम का, जिन्होंने यहाँ पे टाइमली पहुँच के और इस मुद्दे को बड़ा ध्यानपूर्वक समझा है और सुना है। और मैं देखो व्यापारी वर्ग जो है हमेशा शांति का प्रतीक, हमेशा व्यापारी ने कोविड के समय आपको सबको पता है कैसे सेवाएं दी हैं और कैसे काम किया है, लेकिन मुझे आज एडीसी साहब की तरफ से आश्वासन मिला है उस अफसर के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर होगा और आइंदा से इस तरह का बर्ताव जो है, इस तरह की जो बातें दोबारा ना घटें, और ये इंश्योर करके जो है हमने इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। और मैं तमाम आप सबका और सारे वेयर हाउस के व्यापारियों का, जिस तरह से उन्होंने यूनाइटेड होके जो है सबको इस मसले को जो है शांतिपूर्ण ढंग से उठाया है, हमेशा जो है हम अपनी बात जो है शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं, लेकिन हमारी सम्मान के ऊपर कोई भी ठेस पहुँचाएगा, सम्मान के लिए हम जीते हैं, सम्मान के लिए मरते हैं, 200 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके हम सरकार को देते हैं हर महीने, और हमारे ऊपर ऐसा बर्ताव, और हम जो है आज जो है कॉल ऑफ जो है स्ट्राइक जो है ऑफ की है ये एडीसी साहब और एसपी मैडम के आश्वासन से, कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाएं जो है आइंदा से ना हो और व्यापारी जो है आराम से काम करें। क्यों सर? अभी मैंने जो सीएपीडी के डायरेक्टर हैं उनसे बात की है, मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ शो का नोटिस जो है वो नहीं निकाला जाएगा तो कल को जम्मू बंद की कॉल जो है वो हमें मजबूर कर देगी। हमने आज तक जो है हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया है, इशू बेस्ड जो है अगर कहीं हड़ताल होती है तो उसमें अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं हैप्चुअल नहीं हैं, हम अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब इशू बेस्ड कोई भी चीज़ होती है हम उसकी हड़ताल करते हैं और उसी का नतीजा जो है आज सीएपीडी ने जिस तरह से एक विपिन भगत को यहाँ पर भेज करके और हमारे एक सीनियर मेंबर जो 80 साल की जिनकी उम्र है और बिना नोटिस के यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया है, और हम लोग जो हैं ये ज़रूर चाहेंगे उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, तभी जो है ये मसला जो है वो शांत होगा, नहीं तो कल को जम्मू बंद हो। क्या सीएपीडी का प्रेरोगेटिव है रेड करना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये इनडायरेक्ट एंट्री है। सीएपीडी का प्रेरोगेटिव जो है वो है ही नहीं है, वो यहाँ पर आके ना सैंपलिंग कर सकते हैं ना कोई और यहाँ पर कोई एक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से जो भी आया है ये डायरेक्टर के मतलब नॉलेज में भी नहीं है कि विपिन भगत यहाँ पर आया हुआ है।